हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। इंडियन प्रीमियर लीग IPL सीजन 11 के लिए बेंगलुरु में बाजार सज चुका है। दो दिन चलने वाले इस नीलामी में कई देशी विदेशी खिलाड़ियों के लिए 8 फ्रेंचाइजी बोली लगा रही हैं। बीते 11 साल के IPL के सफर पर बात करें तो इसमें कई बदलाव अब तक देखने को मिले हैं। खिलाड़ियों की जर्सी से लेकर टीम मैनेजमेंट तक में कई बदलाव हुए, लेकिन इन 11 साल में कुछ नहीं बदला तो वे है एक शख्स। आइए जानते हैं उस एक शख्स के बारे में जिसकी गैर मौजूदगी के बिना इस नीलामी की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है। IPL के इस 11 साल के सफर में जो नहीं बदला वे हैं ऑक्शनर रिचर्ड मिडली। जी हाँ, IPL में नीलामी की बोली लगाने वाले रिचर्ड मिडली इस टूर्नामेंट के पहले सीजन से अब तक जुड़े हुए हैं। रिचर्ड मिडली इंग्लैंड के रहने वाले हैं और इनकी गिनती दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑक्शनरों में से एक है। उनके बारे में एक खास बात यह भी है कि रिचर्ड के पिता ससुर भी ऑक्शनर रह चुके हैं। मिडली इंग्लैंड की सरे टीम की ओर से प्रथम श्रेणी क्रिकेट भी खेल चुके हैं। वहीं रिचर्ड पूर्व में हॉकी के खिलाड़ी भी रह चुके हैं। मिडली ने BBC चैनल के लिए कई शो भी होस्ट किए हैं, लेकिन वे खुद मानते हैं कि IPL के साथ जुड़ने के बाद उनके जीवन में काफी बदलाव आया है।